हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली ऑल न्यू बाइक गोरिल्ला 450। इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं और क्या कुछ इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन और इसके मीटर कंसोल जो भी फीचर्स हैं वो सारी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मंगलम मोटरकॉर्प अजमेर को, जिनका हाल ही में शोरूम ओपन है और यहाँ पर आपको हर वेराइटी की आपको रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग को लेके कि आपको ये एक्स शोरूम रेट में आपको क्या मिलने वाली है। ये टॉप ऑफ द लाइन रहने वाला है गोरिल्ला मॉडल का। तो ये इसके अंदर आपको ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला कलर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर येलो रिबन कलर आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। और इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है 2.54 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम रेट, जो कि आपका अजमेर राजस्थान की मैं आपको रेट बता रहा हूँ। आप जिस स्टेट से हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे का जो आरटीओ चार्जेस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा आपके आरटीओ का। तो ये इसकी प्राइसिंग रहने वाली है अजमेर राजस्थान में, और ये आपको बाइक मिल जाएगी मंगलम मोटरकॉर्प अजमेर के शोरूम पे। तो एक बार शोरूम पे आके आप विज़िट कर सकते हैं और ये आपकी बाइक की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के अदर फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या कुछ अलग फ़ीचर्स मिलते हैं, कैसा कुछ इसका डिज़ाइन रहने वाला है और क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी बाइक की। सबसे पहले अपन की के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, प्लस इसके अंदर आपको वेव की ऑफर मिलती है, जो कि की काफ़ी प्रीमियम रहने वाली है। तो ये इसकी की के बारे में हो गया। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं कितना मस्क्यूलर सा, कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन निकल गया था। यहाँ पे कंपनी ने इस बार ऑल LED सेटअप आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको जो देख पा रहे हैं इसका जो हेडलाइट है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस आपको यहाँ पे LED में मिल जाएगा। यहाँ जो टर्न सिग्नल्स है वो भी आपको चारों यहाँ पे LED में मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं, जिनका काफ़ी बड़ा सस्पेंशन मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे शोवा का सस्पेंशन मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है, USD सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा। बट इसका जो रेस्पॉन्स है जो बहुत अच्छा रहने वाला है इस सस्पेंशन का, यहाँ पे आपके नंबर प्लेट की प्लेसिंग हो जाएगी। सामने आपको जो मडगार्ड देख पा रहे हैं, ये आपको प्लास्टिक मतलब फाइबर में मिल जाएगा और पियानो ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लैक पियानो में। और जो टायर का आप जो ग्रिप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आपको ड्यूअल पर्पस टायर मिलने वाला है। ब्लॉक पैटर्न में आपको टायर मिल जाता है और काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी बड़ा चौड़ा साइज इसका रहने वाला है। यहाँ पे अगर इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो 120x70 सेक्शन का आपको यहाँ पर फ्रंट टायर मिलने वाला है, विद ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड R17 का इसके अंदर आपको टायर मिलता है, मतलब जो अलॉय व्हील है उनकी 17 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। और इसके अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाता है, फ्रंट में भी और रियर में भी आपको यहाँ पे रेडियल टायर मिलने वाला है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्क ब्रेक के बारे में। तो यहाँ पे आई थिंक आपको 310mm की आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ब्रेकिंग जो रहने वाली है बाय ब्रेक की तरफ से आने वाली है, और यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलने वाला है। सस्पेंशन पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और सस्पेंशन पे है ना आपको यहाँ पे कवर मिल जाता है रबर ग्रिप में, ताकि आपके जो डस्ट वस्ट है या फिर आपके सस्पेंशन को थोड़ा प्रोटेक्शन दे। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। आप मुझे कमेंट बता करके बताओ कि इसके अंदर आपको फ्रंट प्रोफाइल आपको इस बाइक का कैसा लगा। तो अब चलते हैं इसके यहाँ पे इंजन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसके अंदर आपको की इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंजन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यहाँ पर टैंक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है, जो ग्राफिक्स किए गए, बहुत अमेजिंग है। रॉयल इनफील्ड के आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है, जो कि पर्पल कलर में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। गोरिल्ला की आपको यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है। डॉट डॉट्स जो है वो इसकी डिज़ाइन को, इसके लुक्स को थोड़े और इन्हेंस कर रहा है। गोरिल्ला 450 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। टैंक के साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जो कि ब्लैक और येलो कलर की फिनिश के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। फाइबर नहीं है यहाँ पर, आपको मेटल में आपको टैंक मिल जाएगा। इधर अगर अपन बात करें तो फ्यूल लीड ओपनर जो है ना, यहाँ पे आपको साइड में मिलता है, जो कि इसके लुक्स को थोड़ा और इन्हांस करता है, थोड़ा और डिफरेंट बनाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, पहले अपनी जो रॉयल इनफील्ड की दूसरी बाइक जैसे हंटर 350 को देखा होगा, तो यहाँ पे साइड में कुछ ऐसे गैप्स दिखते थे, तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ने इसको भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इस जगह फाइबर पार्ट लगा के इसको थोड़ा पैक कर दिया है, ताकि इसके अंदर आपको ऐसा कोई मतलब गैप दिखे नहीं, जिससे बाइक की थोड़ी लुक डाउन हो जाए। तो बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में।
तो इंजन आपको यहाँ पे 452 cc का एक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल सॉरी लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS की, और जो उसका मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है वो भी आपको यहाँ पे 40 PS का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड कूलर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस बार रॉयल इनफील्ड की बाइक है, इसका जो इंजन है वो आपको यहाँ पे हिमालयन 450 का, जो मतलब हिमालयन से लिया गया है, 450 cc का इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो इसका रेडिएटर है उसके उसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्रिल मिलने वाली है, और नीचे अगर देखा जाए तो इंजन गार्ड आपको नहीं मिलता है, प्लास्टिक में थोड़ा सा एक हल्का सा दिया गया है। आफ्टर मार्केट आपको इंजन गार्ड लगवाना पड़ेगा, या फिर कंपनी से भी आप एड ऑन एसेसरीज में इंजन गार्ड लगवा सकते हैं। तो ये इसका इंजन का स्पेसिफिकेशन रहने वाला है। पावर नो डाउट बहुत अच्छी निकल के आने वाली है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको यहाँ पे रियर का जो पैडल है, मतलब ब्रेक पैडल है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग के साथ आपको यहाँ पर आपको फुटपैक्स मिलने वाले हैं, प्लस रबर ग्रिपिंग। अगर आप इसको हटाओगे ना तो ऑफ रोड में भी अगर इसके अंदर आपको ग्रिपिंग बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक का ऑयल मिल जाएगा, और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जो कि आप एडजस्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए सॉरी यार गला थोड़ा जुकाम लग रहा है तो गला खराब है। पिलियन के लिए आपको यहाँ पे फुटपैक्स मिलने वाले हैं। इधर आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला है। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ कि इसके अंदर आपको किस तरीके का साउंड मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका इग्निशन। इग्निशन स्टार्ट करने के बाद में अपन करते हैं इसका इंजन को फायर अप। फ्यूल नहीं है क्या? तो ये अभी इसका आइडल साउंड है। अब अपन इसको थोड़ा रेव करके बताते हैं। तो कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसके टेल सेक्शन के बारे में कि पीछे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है पीछे की तरफ, 270 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाला है विद ड्यूल चैनल ABS। यहाँ पे आपको ABS की चेन मिल जाती है। बाय ब्रेक आपको यहाँ पे ब्रेक वाले पर मिलने वाला है। टायर आपको बहुत बढ़िया और बहुत चौड़ा मिलने वाला है इस प्राइस रेंज में भी, और इस जो 450 cc की कैटेगरी के बाइक के अंदर आपको सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कंपनी ने C8 की तरफ से आने वाला टायर दिया है, जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं दोनों। 160x60 सेक्शन का आपको यहाँ पे रियर टायर मिल जाता है, और 17 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील कंपनी ऑफर करती है। रेडियल टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ड्यूल पर्पस टायर मिलने वाला है, जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी खासी बहुत बड़ी ग्रिप है। कॉर्नरिंग करने में और जैसे लीनिंग करने में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आने वाला है। ऑफ रोड में भी आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर सकते हो, टूरिंग के अंदर भी आप इसको ले जाके कॉन्फिडेंटली आप टूरिंग कर सकते हो, जो क्योंकि इसका टायर का जो ग्रिप है ना बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूअल पर्पस आपको यहाँ पे टायर मिल जाते हैं ब्लॉक पैटर्न में, जो कि ऑफ रोड प्लस ऑन रोड भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे के बारे में। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इधर आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपको LED में आपके नंबर प्लेट के लिए लाइट्स मिल जाती है। जो इंडिकेटर्स रहने वाले ड्यूअल पर्पस रहने वाले वो ऐसा है कि क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जब आप ब्रेक लगाओगे तो इसके अंदर ही आपको यहाँ पे टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है। यहाँ पे आपको येलो कलर की फिनिश, यहाँ पे आपके ग्रैब रेल्स, और जो आप देख सकते हैं इस तरह आपको आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल जाता है। ओपन चेन सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बिकॉज अगर आप इसको 500 या 600 किलोमीटर आप इसको चलाओगे तो आपको वॉश करवाना पड़ेगा, डीजल वॉश या फिर ल्यूब करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फाइबर की कुछ एलिमेंट दिया गया, जिससे आपको थोड़ा चेन प्रोटेक्शन ऊपर से मिल जाएगा। सेंटर स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है कट ऑफ सेंसर के साथ में। 6 स्पीड का आपको यहाँ पे गियर बॉक्स मिलने वाला है, जो कि और किसी बाइक में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, या तो आपको मिलेगा सुपर मीटियोर में, या फिर हिमालयन में, या फिर अब गुरिल्ला 450 में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन और प्लस इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं अपन इसके मीटर कंसोल के बारे में, कि इसके अंदर आपको क्या क्या कुछ मिलता है मीटर कंसोल में। तो स्टार्टिंग में आपको गुरिल्ला लिखा हुआ आता है, यहाँ पे आपको फुली डिजिटल, यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है राउंड शेप में। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, गूगल से आप इसके अंदर
कनेक्ट करके आप इसको नेविगेशन भी यहाँ पे आप चला सकते हो। एक्स्ट्रा ट्रिपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। मीटर कंसोल को आपको टॉगल करना हो तो यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक सा कुछ दिया गया है जिसको आप टॉगल कर सकते हो, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज बताएगा, इंजन टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर अपन बात करें हैं दूसरे के बारे में, दो और फीचर्स के बारे में, तो अपीरियंस आपको यहाँ मिल जाता है, ट्रिप प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, माय व्हीकल, जैसे कि माय व्हीकल के अंदर आप जाओगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 आपके फ्यूल रेंज, जो भी आपको यहाँ पे मतलब आपको जो डिस्प्ले पे चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सर्विस ड्यू, इंजन टेम्परेचर, जो भी आपको चाहिए, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको स्विचेबल ABS भी मिल जाता है, आपको जो जो स्पीडोमीटर है वो आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग से मतलब इसके अंदर मोड मिल जाता है कि किस तरह का आपको यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर हो जाएगा, इधर आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे आपका RPM मीटर हो जाएगा, इधर आपको फ्यूल रेट का जो कितना क्या फ्यूल है वो आपको बता देगा, वार्निंग लाइट्स मिल जाती है, ऐसे और सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। रॉयल एनफील्ड की ऐप आती है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इधर स्विचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम का बटन मिल जाएगा, होम बटन इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाला है जिससे आप टॉगल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें हॉर्न के बारे में, हॉर्न इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्लच आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, थोड़ा हार्ड साइड में क्लच इसका रहने वाला, तो थोड़ा हाथ दर्द आपका हो सकता है। मिरर के बारे में बात करें तो मिरर आपको यहाँ पे राउंड शेप में ब्लैक कलर के आपको रेट्रो लुक में मिरर मिलने वाले हैं। और इस साइड में बात करें तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट और इंजन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका मोड का बटन है, जैसे अभी ये मोड बटन काम कर रहा है, ABS ऑन ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हो। राइडिंग मोड जैसे इको, परफॉर्मेंस, ये दो मोड इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ABS ऑन ऑफ दोनों आप कर सकते हो इस बटन से। यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आपकी फ्रंट ब्रेकिंग ऑयल रहने वाली है, यहाँ पे आपका फ्रंट ब्रेक हो जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहने वाला है, एक्सेलरेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ इसका डैशबोर्ड रहने वाला है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका डैशबोर्ड और इसका मीटर कंसोल है कितना इन्फॉर्मेटिव है कितना नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कुछ इसका लुक है। सीट के बारे में बात करें तो सीट इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितना कर्व आपको यहाँ पे मिल जाता है। राइडर के लिए बहुत अच्छी खासी कुशनिंग है। अगर आपको आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से अगर आपको सीट कस्टमाइज़ करवानी है वो भी आप करवा सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंगली। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के कर्व वेट के बारे में और जो भी इसके डायमेंशन है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको जो ड्राइव वेट मिलता है 174 kg का आपको यहाँ पे ड्राइव वेट मिल जाता है। सीट हाइट इसके अंदर आपको यहाँ पे 780 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। 191 kg का आपको लॉड कैरिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लेंथ इसके आपको यहाँ पे 2090 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ आपको यहाँ पे 833 mm की मिलने वाली है और इसका जो हाइट रहने वाली है 1125 mm की इसके अंदर आपको हाइट मिलने वाली है। जो व्हील बेस आपको यहाँ पे मिल जाता है 1440 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिलने वाला है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे 169 mm मतलब ऑलमोस्ट 170 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यहाँ पे अगर फ्यूल टैंक आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। 185 का आपको यहाँ पे कर्व वेट इस बाइक का मिलने वाला है। तो ये थे इस बाइक के फीचर्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको गूगल मैप की कनेक्टिविटी, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट आपको इसके मीटर कंसोल में मिल जाते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएगी कि ये बाइक के बारे में दिया गया रिव्यू आपको कैसा लगा, इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर अच्छा लगा, कैसी इसकी डिज़ाइनिंग लगी, बेटर रहने वाली है ट्रायम की स्पीड 400 से या फिर डोमिनार से या फिर हिमालयन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप डेली रूटीन में आप ये बाइक चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। टूरिंग के हिसाब से भी आप इस बाइक के अंदर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली इस बाइक को ले जा सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 35 से 30 के आसपास इसकी फ्यूल इकोनॉमी रहने वाली है। तो ये कुछ इसके फीचर्स, ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस है। तो कैसा लगा आपको मेरी तरफ से दिया गया इस बाइक के बारे में छोटा सा और प्यारा सा रिव्यू, आप मुझे कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।